हमारे जो कस्टमर आता है उनका ये रहता है वो करियर में ग्रो करें, आप उनको कुछ ऐसी बात बताएं कि उन्हें अपने करियर में ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सर प्रोसेस क्या रहेगा रिक्रूटमेंट का? यू सेंड अस द सीवीज वंस यू स्कैन इट, देन लेट आवर टीम स्कैन इट अगेन एंड देन वी विल गेट इन टच विद, सो दे विल गेट जॉइन विद द नेक्स्ट। यस एब्सोल्युटली। सो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाय, सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने वाले। श्योर, माय नेम इज अक्षय जयरत। वी रन अ कंपनी कॉल्ड लोटस डिजिटल सिस्टम्स। दिस कंपनी इज इनटू डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स, बेसिकली द बिलबोर्ड प्रिंटर्स, इफ यू टॉक ऑफ लाइक द बैकग्राउंड दैट यू हैव। Okay. These kind of printers, then we have UV printers that can print on any kind of surface, we have laser engravers, so basically we are a company which is related to printing products on an industrial level. जो छोटा प्रिंटर भी है दैट इज अबाउट 16 फीट इन लेंथ, सो वी आर टॉकिंग ऑफ दोस काइंड ऑफ प्रिंटर्स। या अगर हम एक यूवी प्रिंटर की बात करें तो इट कैन प्रिंट 8 फीट बाय 4 फीट इन वन रो, so you need a 20 feet by 20 feet space to keep the printer itself. तो सर इतनी बड़ा innovation वाला product लाने का idea आपके पास कहाँ से है? सर हम लोग basically 2000 से connected हैं इस industry से और हम लोग printing background को ही belong करते हैं. So we had our own printing setup, we had the offset press ourselves, then हम लोग pre-press से involved थे. And initially, then at a later stage in about 2004, we decided we need to do something else. That is when we started importing this printer from China. And that is how our journey started. तो वो एक शुरू शुरू में हमने कुछ प्रिंटर्स इंपोर्ट करे, देन वी अंडरस्टूड दैट दी कॉस्ट इज टू हाई, एक 20 फीट कंटेनर में सिर्फ दो प्रिंटर आते थे एंड द फ्रेट यूज्ड टू बी ह्यूज, सो वी थॉट ऑफ व्हाई नॉट वी कांट मेक इट इन इंडिया, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड मेकिंग हियर। एंड आज भी जो की कंपोनेंट्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो वहां से आते हैं, या फॉर दैट मैटर हमारी अलायंसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से, जैसे कि वी आर अ चैनल पार्टनर विद कोनिका मिनोल्टा, वी आर अ पार्टनर ऑफ रिको, वी आर अ पार्टनर ऑफ THK, वी आर अ पार्टनर ऑफ एप्सन, वी आर अ पार्टनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब चीजें मिलके प्रिंटर बनता है एंड दीज आर वर्ल्ड लीडर्स जिनके साथ हम डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं एक किसी भी एक नई मशीन को डेवलप करने के लिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व फॉर अस एज वेल एंड द टीम। तो सर जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे डेफिनेटली, जी तो आपकी कंपनी उन कॉम्पिटिटर्स से अलग कैसे है? सर देखिए पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज है नहीं इस ट्रेड में, ठीक है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर हैंडफुल इन इंडिया, मतलब अगर हम लिस्ट डाउन करेंगे तो मेरे ख्याल से 20 कंपनीज से ज्यादा, 20-25 कंपनीज से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते हो, कि आप नोट डाउन भी नहीं कर पाओगे कि इससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और इस बेसिकली इसलिए भी नहीं करते बिकॉज यू नीड वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टू डू इट। कलर मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है पूरा, तो प्रिंटिंग जो भी प्रिंटिंग का एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हार्डवेयर है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, इंक्स है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इट्स बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड, सो नॉट टू मेनी पीपल गेट इनटू इट। ओके, या ठीक है सर, देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि एक ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिसे बनाने वाले जाहिर लोग नहीं है। जी सर, जो भी इस फील्ड में आ रहा है काम कर रहा है उसके पास ग्रो का बहुत अच्छा होगा। या फर्स्ट लर्निंग, क्योंकि ऑब्वियसली ये लर्निंग अवेलेबल नहीं है किसी मार्केट में या किसी कोर्स में या किसी भी चीज में, सो दे नीड टू ग्रो विद द सिस्टम, तो एक पूरा नया चीज सीखने को समझने को मिलती है एंड दैट्स हाउ यू टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका जो प्रिंटर्स आप बना रहे हैं ये बहुत हाई लेवल के ह्यूज साइज के होते हैं विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो अगर हम बात करें कस्टमर एंड यूजर जो होगा तो उसको क्या नया मिलने वाला है आपके प्रोडक्ट से? सर इसमें नया नहीं मिल रहा है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट है। आप समझिए किसी को जैसे आपने शर्ट पहनी हुई है, अभी इसमें बटन लगा हुआ है, अब स्कूल यूनिफॉर्म का जो बटन होता है वो प्रिंटेड होता है, उसमें स्कूल का एक छोटा सा नाम होता है या मतलब कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो वो कैसे लिखेगा? उसके लिए यूवी प्रिंटर आता है, इट कैन प्रिंट डायरेक्टली ऑन द बटन। ठीक है, आपने ये लैनियर्ड पहनी हुई है, ये डिजिटली प्रिंटेड है, इसके लिए भी एक अलग मशीन है, तो ये सारा नीड बेस्ड है, ऑटोमेशन की तरफ जाया जा रहा है। पहले मैनुअली प्रिंट होता था, आज ये ऑटोमेटेड मशीन से प्रिंट होता है, तो इट इज मोर कि कस्टमर को क्या नहीं मिलेगा वाली बात नहीं है, उसकी जरूरत पूरी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप ये पीछे एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड है, पहले आप देखो ये वाइट है, अगर आप मार्केट में जाओगे आपको ना अलग अलग डिजाइन के स्विच बोर्ड मिलते हैं, दीज आर यूवी प्रिंटेड स्विच बोर्ड।
तो जो आदमी 20 साल से सफेद रंग के स्विच बोर्ड बना रहा है उसको आज एक ऑप्शन मिल गई है कि उसको वो प्रिंट कर सकता है, वो आप अपनी पिक्चर प्रिंट करा सकते हैं उसके ऊपर, और जो फिर वो कस्टमर एंड यूजर को बेचेगा ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू अर्न अ डिसेंट मार्जिन आउट ऑफ इट. Exactly. तो इट इज ऑन नीड बेस्ड, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए बहुत बड़ी बात. दैट्स व्हाट इट इज. सो वी आर बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ना कि हम कुछ नया दे रहे हैं. हमारे पास इनफैक्ट कस्टमर्स आते हैं जो जिनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है कि दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग, एंड देन वी कस्टमाइज मशीन्स फॉर देम टू इंश्योर कि उनका सॉल्यूशन हो जाए. सर मैंने कुछ वीडियोस में देखा था या कहाँ देखा था मुझे याद नहीं है, बट कुछ ऐसे प्रिंटर्स भी हैं क्या कि जो कि मतलब हम जैसे फ्लेक्स विनाइल प्रिंट कराते हैं इसकी जगह डायरेक्ट वॉल्स पे या कहीं और डायरेक्ट प्रिंट. वी आर वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी, इट इज टू प्रीमैच्योर, बट डेफिनेटली इन टाइम्स टू कम देयर विल बी वर्टिकल प्रिंटर्स टू कम. ओके, सो यू आर वर्किंग ऑन दैट टाइप ऑफ. यस, आई एम वर्किंग इन द प्रोटोटाइप ऑलरेडी इन माय फैक्ट्री. सर आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की कुछ आप सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं कि आपके कस्टमर्स को मिलने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा हो? आई विल शेयर अ इमेज विद यू. वी जस्ट डिड एन एग्जीबिशन फ्यू डेज बैक इन कलकत्ता. ओके, द थीम दैट वी हैड मेड वाज मेड फ्रॉम आवर कस्टमर्स बेसिकली, एंड व्हेन यू आर यूजिंग समबडीज पिक्चर ऑन द मेन यू नो बेसिक बैकड्रॉप, यू कैन वेल इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आवर कस्टमर्स हैव इन अस. ओके, आई विल शेयर दैट इमेज विद यू. सर अगर क्वालिटी की बात करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें, तो आप इन प्रोडक्ट में क्या वारंटी, क्या गारंटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे डेवलप कर पाते हैं? सर देखिए, वन वी आर वेरी ओल्ड इन द इंडस्ट्री, तो अब जो बिजनेस जनरेट होता है वो मोस्टली रिपीट बिजनेस है. ओके, सारा का सारा, बिकॉज हमारे पास कोई डेडिकेटेड मार्केटिंग इज नॉट हैपनिंग, एंड स्टिल वी हैव हैंड्स फुल. ओके, सो यू कैन वेल इमेजिन आज हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है तभी हमारे पास रिपीट बिजनेस है, रिपीटेड ऑर्डर. जी, so that is one area. और उसके अलावा भी you know ultimately एक user का machine जब use करता है उसको ease मिलती है. first of all cost difference ही बहुत ज़्यादा है. आप ये चाहें जैसे एक UV printer है 8x4 का, आप अगर एक imported machine की बात करेंगे तो it will cost you about 30-35 lakhs. वही सेम मशीन विद ऑलमोस्ट द सेम ऑलमोस्ट विद स्लाइटली बेटर क्वालिटी दैट द चाइनीज कैन डू, वी डू इट फॉर अबाउट 20 lakhs. सो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 2x. एग्जैक्टली, एंड वो होता है इसलिए मैं आपको उसका प्राइमरी रीजन बताता हूँ. देखिए, जब एक बड़ी मशीन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, जबकि वो यहाँ बनती है तो वो ट्रांसपोर्ट एलिमेंट जीरो होता है. सो दैट इज वन कॉम्पोनेंट. सेकेंड, जब आप क्या कहते हैं उसका हर चीज ही लॉजिस्टिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव, सो वो करने की जरूरत नहीं है. प्लस जब एक चाइनीज प्रिंटर आता है तो वो वन पीस बन के आता है, तो लोगों को किसी को पार्टीशन तोड़ना पड़ता है, किसी को दीवार तोड़नी पड़ती है. हम लोगों ने अपना प्रिंटर इंडियन कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, और वो इंडियन कंडीशंस में हम लोग अगर कस्टमर के पास जगह नहीं है तो उसकी साइट पे ही जाके असेंबल कर देते हैं. तो इट गोज इन पीसेस. व्हेन द प्रिंटर गोज इन टू पीसेस, आप एक 3 feet के दरवाजे में 20 feet की मशीन अंदर बना सकते हो. सो दिस इज रियली नाइस कि आप मतलब छोटे छोटे पीसेस में करके लेके जाके साइट पे ही असेंबल करते हैं. इट इज डिजाइनड दैट वे. डिजाइन दैट. तो सर ये सारे इनोवेशन के लिए आपकी टीम करती है या बीइंग एन ओनर आप खुद इसे मैं किसी चीज में इन्वॉल्व हूं. वी हैव अ टीम. ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर रोल्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू एक्सपैंड नाउ, बिकॉज अ यंगर जनरेशन नीड्स टू स्टेप इनटू दिस टू लर्न हाउ इट्स बीइंग डन. सो बेसिकली यू गिव गाइडेंस एंड योर टीम इज वर्किंग ऑन ऑल दीस थिंग्स. यस, वी हैव अ टेक्निकल डायरेक्टर. ओके, एंड ही कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग. Okay, with the team. Yeah. And you are looking after the marketing and sales. Yeah, slightly. Yes. So marketing and sales में सबसे unique item क्या होता है? मतलब आपके पास ऐसा क्या है कि जो मतलब normal आप नहीं ढूंढ सकते किसी को? सर देखिए, हमारे पास तो हम खुद हैं. Okay. ठीक है. We've been in this industry for so long, so whoever is buying on our face value as of now. And now we want to start marketing as well. Yeah. And once we start the marketing, definitely we want to reach everywhere. सर ऑलमोस्ट ऑल स्टेट कवर कर रहे हैं या करने का प्लान है? साउथ नहीं करते हैं हम लोग. वी हैव आवर ओन ऑफिस इन दिल्ली, वी हैव आवर ओन ऑफिस इन लखनऊ, वी हैव आवर ओन ऑफिस इन जयपुर, वी आर देयर इन वेस्ट बंगाल, वी आर देयर इन नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, एंड वी आर देयर इन पटना वेयर वी डू इंटायर बिहार. सो वी हैव स्मॉल ऑफिसेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. साउथ वी आर नॉट डूइंग बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ मैन पावर. सी देखिए, बेचने के लिए आप कुछ भी कहीं भी बेचिए, बट यू नीड द राइट सेट ऑफ पीपल टू सपोर्ट दोज मशीन्स. इफ द मशीन डज नॉट परफॉर्म एंड इफ इट डज नॉट गेट द राइट सपोर्ट, देन देयर इज नो पॉइंट. देन यू आर गोइंग टू जस्ट अर्न अ बैड नेम, व्हिच वी डोंट वांट टू डू. एंड नाउ वी वांट टू डेफिनेटली एक्सपेंड पैन इंडिया ओनली. सो पैन इंडिया एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट्स वी आर डूइंग. ओके, एक्सपोर्ट में सर इसलिए होता है, इजी हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज देयर देयर इज समबडी
who's equally trained well sitting in the over there on the other side. So he knows how to handle the machine. But यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंडिया है, सो आप अगर आप चेन्नई में कोई प्रिंटर बेच रहे हैं तो आपको एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए. इट इज नॉट समथिंग कि किसी डीलर को आपने दे दी, डीलर से हैंडल नहीं हुई, तो इवेंचुअली व्हाट ही डज इज ही विल गो एंड से इन द मार्केट कि लोटस का प्रोडक्ट खराब था, मेरी कोई गलती नहीं है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव स्टॉप्ड डूइंग एंड वी हैव शिफ्टेड टू गोइंग बैक एंड ओपनिंग ऑफिसेज एवरीवेयर बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस दिस. प्रिंटर जब वो लोग बेचते हैं तो उसका मार्जिन तो उनको चाहिए, जब उसको सर्विस दे रही है तो उनसे सर्विस नहीं होगी बिकॉज दे डोंट हैव द रिसोर्सेस. और ब्रांड नेम कौन अर्न करता है, जिसका लेबल लगा हुआ है. Exactly. जिसका ब्रांड है. तो वी स्टॉप्ड ऑल दिस स्ट्रिक्टली. वेयर एवर वी आर सेलिंग टुडे, वी आर सेलिंग थ्रू आवर ओन ऑफिसेस. दैट्स रियली नाइस दैट यू सर टेक केयर अबाउट योर यू नो द कस्टमर्स. सर कस्टमर इज एवरीथिंग. कस्टमर इज एवरीथिंग. और आप बताइए ना, अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई नहीं है तो आप प्रिंटर बना के भी क्या करेंगे, किसको देंगे? सो सबसे पहले तो कस्टमर ही है. सर हम अपने कस्टमर्स की बात कर लेते हैं. सर वी आर रनिंग ENDT नेक्स्ट. हमारे पास हमारे जो कस्टमर आता है उनका एम रहता है वो करियर में ग्रो करें. दैट्स वेरी नाइस यार. तो सर सबसे पहले आप उनको कुछ ऐसी बात बताएं कि उन्हें अपने करियर में ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए. दे शुड कम टू अस, वी हैव अ नीश मार्केट. और अगर वो टाइम स्पेंड करके सीखते हैं सो स्काई इज द लिमिट फॉर देम, क्योंकि वो इवेंचुअली यहां से सीख के कल को किसी स्टेट को हेड करेंगे. ओह माय गॉड. एंड इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट इन इटसेल्फ. सर क्या क्वालिफिकेशन मैटर करती है किसी इंसान को अगर ग्रो करना है तो? हमारे लिए तो नहीं करती सर. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. तो चाहे वो 10th पास है या बीटेक है या एमटेक है, सिंसियरिटी चाहिए सर, हार्डवर्क चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, दैट्स गुड इनफ. बाकी हम लोग खुद कर लेंगे. बाकी हम उसको लाही सिस्टम में इसलिए रहे हैं ताकि हम उसको अपने तरीके से ट्रेन कर सकते हैं. वी नीड अ ब्लैक बोर्ड व्हिच इज क्लीन. क्लीन स्लेट से हम खुद लिखेंगे. रियली नाइस सर. रियली नाइस. सो फॉर अ बिजनेस व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, टेक्निकल और मार्केटिंग साइड? सी इफ यू हैव अ एक्सीलेंट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड यू डोंट हैव द राइट सेट ऑफ पीपल टू प्रमोट इट, still it doesn't work. If you have the right set of people who can market it and the product does not perform, still you are nowhere. So both go hand in hand. आप ये नहीं कर सकते you have an excellent product और आपको इसको promote करने के लिए कोई नहीं. So promote करने के लिए आप MBA लेना prefer करोगे या BTech वाले से? BTech वाला भी अच्छा काम कर सकता है. मैं तो सर अगर promote कराना होगा तो मेरे लिए तो वो लड़का जिसने 6 महीने मेरी floor पे काम किया हुआ है, स्क्रैच से मशीन बिल्ड करनी उसको आती है, मैं तो उसको मार्केट में भेजना चाहूंगा. क्योंकि 6 महीने की हार्ड वर्क बेसिकली तपस्या के बाद जब वो मार्केट में जाएगा तो जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करेगा वो एक बीटेक एमटेक नहीं कर सकता. ओके सर. तो जैसे आपने कहा कि आपको साउथ इंडिया से भी अगर कुछ लोग आ रहे हैं, तो सर प्रोसेस क्या रहेगा रिक्रूटमेंट का? सर प्रोसेस वही है, यू सेंड अस द सीवीज वंस यू स्कैन देम, देन लेट आवर टीम स्कैन इट अगेन. And then we'll get in touch with them and then we'll do a mutual agreement. And sir, अगर बात करें कि अब से लेके कितना time है जिसमें आप उन्हें hire कर सकते हैं? Next 30 days. Within next 30 days. So they'll get joining within next 30 days. Yeah, absolutely. So this is really nice that you guys are giving opportunity to freshers. Yes, sir. Thank you. And sir, age is the barrier or not? Well, we definitely need a younger generation. Yeah. But it's okay. Everybody is welcome. We'll see. It depends on the screening process because से आपको फ्लोर पे काम करना है तो नीचे भी बैठना है, ऊपर भी बैठना है. Obviously, young generation can adapt well. Yes. So youngsters are welcome. Otherwise, somebody with experience is also okay. So you guys are ready to take any type of good quality, most more than welcome. And sir ने quality का definition तो बता ही दिया है. This is like hard working, loyalty, sincerity. This is the definition. Qualification hardly matters. Yeah. Okay. Absolutely. सर थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप कैसे कैसे इस कंपनी में आए, कंपनी स्टार्ट किया. वेल आई वाज फ्रॉम द बैंकिंग बैकग्राउंड एंड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम आई जॉइंड द प्रिंटिंग बिजनेस एंड वी वर डूइंग हार्डकोर प्रिंटिंग बट यू नो समथिंग वाज मिसिंग इन द इंडस्ट्री. लाइक रिजेक्शंस वाज अ वेरी बिग थिंग, जॉब्स गेटिंग रिजेक्टेड, पेमेंट्स नॉट कमिंग इन. Customers had the, you know, final say, okay, we're not going to pay for this, not pay for that. So it was not a very nice experience, you know. मतलब जरा सा कुछ color difference हो जाए तो पैसे कट जाते हैं. So we're not very happy with it. And that is the time we ventured into this. And we have used these machines ourselves. Hmm. Arch, the basic printer that we sell for about 8 lakhs,
when we bought those printers from China, they costed us almost 25-30 lakhs. So it's been a long journey, and we have actually grown step by step, by doing mistakes, by getting machines, by working on those machines. So it's been a very long time, but now things are settling. We understand the industry well, we understand the printing inks, we understand the materials. So again, yes, the experience counts, you know. Experience counts. So it's almost 20 years that we've been doing this. So like the way sir learned from, you know, scratch, and sir is at this level now, they are exporting their printers, and they have offices across, I guess, in almost all states of North India. Almost, yes. Almost all states. Like, we are covering almost North and East. We are in control. Uh-huh. We are one of the leaders. Uh-huh. And we are looking at other areas as well. We need definitely good people who can handle, because a company is also made by people only. Yes, exactly. It's not just the company by itself. Yes. It is the resource that the company has. So the resource should be really nice. Yes. That's what we're looking for. Yes, yes, yes. So any other message that you want to give to the audience? Or the it's audience? Very simple. If you have the fire in yourself, yes, you're most welcome, and nobody can stop you growing. So that's all for now. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving your precious time. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir.